हाँ भाई बोलो। ये क्या बोलते हैं अमलदीप, ये फॉर्मूले में चलो डाउट है, रिलेटिव डेंसिटी नहीं सर, एक्स ए प्लस एक्स बी वाला। एक्स ए प्लस एक्स बी वाला। अच्छा चलो ठीक है। जैसे मान लो कि ए नालायक लोग, क्या तुम लोग यार, मौका मिलते ही खुराफाती शुरू कर देता है। चलो ध्यान दो, जैसे जहाँ पे फॉर्मूला दिया था एक्स ए प्लस एक्स बी, कहाँ गए भाई एक्स ए प्लस एक्स बी। हाँ ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी छोड़ो। जैसे मान लो फ्रैक्शन निकालना सीखा है ना बचपन से, तो यस सर। एक चीज बता, जैसे एक सैंपल है, उस सैंपल में दो वैल्यूज दे रखा है, ठीक है, एक वैल्यू 2 दे रखा है और एक वैल्यू 8 दे रखा है, तो 2 का फ्रैक्शन क्या होगा पूरे सैंपल में? 2/10, 2/10। और 8 वाले का फ्रैक्शन क्या होगा? 8/10। तो एक चीज दिख रहा है, ये दोनों स्पीसीज मिलके ही तो पूरा सैंपल बना रहा है ना, हाँ सर। तो फ्रैक्शन का हिंदी मतलब क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन का क्या मतलब समझ में आता है, थियोरेटिकल मतलब? भाग। डिवीजन बेसिकली। और हाँ फ्रैक्शन का मतलब भाग भी नहीं होता, फ्रैक्शन का मतलब पूरे सैंपल में एक गिवन पार्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जैसे मास के टर्म में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम के टर्म में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना मास ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, नंबर दे रखा तो कितना वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर दो ही स्पीसीज हैं, दो ही नंबर्स हैं, तो दोनों मिल करके टोटल 1 वैल्यू बनाएगा, मतलब हाँ पूरा सैंपल कंप्लीट कर देगा। तो इस केस में पहले का फ्रैक्शन, पहले दूसरे प्लस दूसरे का फ्रैक्शन, या पहले का फ्रैक्शन प्लस दूसरे का फ्रैक्शन ही तो टोटल वैल्यू को बना रहा है, पूरे के पूरे सैंपल को बना रहा है। तो 2/10 प्लस 8/10 कितना हो जाएगा? 10/10। और 10/10 का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 आ गया आराम से, ऐसा आराम से बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? उसी में जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, सॉरी एक सैंपल के अंदर दो स्पीसीज है, ए प्लस बी। ए वाले पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो एक्स ए के बराबर है, बी वाले पार्ट का फ्रैक्शन है जो एक्स बी के बराबर है। कौन सा फ्रैक्शन हमको नहीं मालूम, वॉल्यूम फ्रैक्शन है कि मास फ्रैक्शन है कि मोल फ्रैक्शन है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दो ही कंपोनेंट है तो दोनों के कंपोनेंट का फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होगा, ये दोनों मिलकर ही पूरा सैंपल बना रहा है। तो पूरे सैंपल का फ्रैक्शन का मतलब क्या, कि सैंपल का अमाउंट बाई टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट और सैंपल का अमाउंट सेम ही चीज तो है ना, दोनों के रेशियो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो अगर मान लो कि ए वाला पार्ट में एक्स ए जो था उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन अगर बोले, बी वाले पार्ट को मोल फ्रैक्शन अगर बोले, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बोला जा सकता है। वैल्यू से भी एसोसिएट कर सकते हैं और लॉजिकली ही बोल सकते हैं आराम से, है कि नहीं? नहीं और कोई डाउट? सर, हाँ मेरे एक डाउट है। तो किसका डाउट है? प्रिंस। यस सर, हाँ प्रिंस बोलो। नियॉन्स का सर, क्या नियॉन्स MIONS, फिर से बोले एक बार? नियॉन्स MIONS। मियोन्स यस सर। क्या क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? नहीं सर, मतलब बुक पढ़ रहा था हाँ केमिस्ट्री का, तो उसमें एक टर्म मिला मियोन्स, तो वही समझ में नहीं आया। पक्का मियोन्स मिला है? हाँ कौन से बुक में पढ़ दिया भाई मियोन्स? दिनेश। लास्ट क्लास में हम गाली सुना है दिनेश पढ़ने के लिए किसी को? अच्छा तुम्हारे बैच में नहीं सुना है, किसी और बैच में सुना है? पता नहीं क्या होता मियोन्स, हम तो पहली बार ये वर्ड ही सुन रहे कि मियोन्स है क्या। एक्चुअल में हम मियोन्स वर्ड कभी नहीं सुना है, कौन से टॉपिक में सुन लिया मियोन्स? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मियोन्स? यस सर। उसका फोटो शेयर करना चाहेंगे टेलीग्राम पे? ठीक ओके सर, शेयर कर दूंगा। है, एक बार शेयर करना, देखते हैं क्या है म्यूज। हम तो आज तक के वर्ड नहीं सुने। कुछ दूसरा टर्म तो नहीं था ना, अनायंस कटायंस टाइप से कुछ? नो सर। पता नहीं, हम तो आज तक वर्ड नहीं सुने म्यूज। और दूसरा, हम दिनेश इसलिए पढ़ने नहीं बोलते, कुछ प्रिंटिंग एरर होगा, कुछ उसका माई बाप नहीं है, ठीक है? मत पढ़ो बुक, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। अगर पढ़ना भी है तो हम पढ़ने के लिए हमेशा सजेशन देते हैं। बोकारो में कभी किसी शॉपकीपर से बात करना, यहाँ पे बुक स्टोर में बहुत सारे थियोरेटिकल बुक्स का सेल हम बढ़वा रखे हैं केवल, क्योंकि और कोई बुक रेफर नहीं करता मेरे अलावा बोकारो में केमिस्ट्री में। हम हमेशा बोलते हैं बुक रीड करो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक रीड करो, रैंडमली कोई बुक नहीं रीड कर लो। हम कल को एक बुक लिख देंगे और बोलेंगे मेरा बुक रीड करो, हम उसमें दो चार लाइन गलत लिख देंगे तो तुम तो उसी को पढ़ेगा, ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है, ठीक है? और कोई डाउट किसी को, जिसको भी डाउट है पूछ लो।
हेलो। हाँ हाँ बोलो, कोई डाउट है तो? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। ना तो पूछ रहे थे ऐसे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। चलो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं इसके बाद। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 8 चल रहा था और तुम लोगों को मैंने मेंशन कर दिया था। एक मिनट, ऑस्मोसिस, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी जस्ट शुरू किए थे क्या? चलो बढ़िया, ओके। मोलैरिटी वाला पार्ट जस्ट शुरू किए थे, तो इसका डिस्कशन शुरू कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, विशाल सर, विशाल सर, एक सेकंड रुक जाओ। चलो, लास्ट क्लास में जैसे हम लोग वो डिस्कशन किए थे, मोलैरिटी का फॉर्मूला तो डिस्कस कर लिए थे, और मोलैरिटी के फॉर्मूले को डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग लेक्चर नंबर 9 11 ED। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस वाले पार्ट के कैलकुलेशंस में आना है अपने को, तो हम लोग ये करके क्वेश्चंस का कैलकुलेशन शुरू करते हैं। जैसे उसमें मोलैरिटी का पहले तो जो फॉर्मूला था, बस वो फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला ही हर जगह यूज करते रहना पड़ेगा। तो जैसे मोलैरिटी में हम लोग कैपिटल एम से इस चीज को डिनोट कर रहे थे, और लास्ट क्लास में मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया था। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग हमेशा लीटर में लेके चल रहे होते हैं। इन जनरल हम लोग हमेशा लीटर में रखने की कोशिश करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। बहुत ही एलिमेंट्री फार्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत तो इसमें होना नहीं चाहिए। और इसी के ऊपर हम लोग कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस करेंगे, और धीरे धीरे क्वेश्चंस वाले पार्ट का हम लोग लेवल भी इंक्रीज करना शुरू करेंगे। पुराने टॉपिक्स में जिसको भी डाउट है, मोल क्या होता है, मोल क्या होता है। आशीष अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो क्लास के टाइम पे, बैकग्राउंड का नॉइज नहीं सुनाना है। तो उस केस में जैसे जिसको भी पुराने टॉपिक्स में डाउट है, उन सारे के सारे टॉपिक्स को आराम से एक बार लेक्चर में देख लेना। ऑनलाइन लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर रखा है। पुराने टॉपिक्स में जहाँ कहीं भी डाउट है, उन सबको पहले से क्लियर करके आओ। डाउट सेशन लेना है तो डाउट सेशन लेकर के भी क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। जैसे फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, तो फॉर्मूले वाले पार्ट के ऊपर जैसे लास्ट क्लास में शायद मेंशन भी किया था, यूनिट भी मेंशन किया था, कि ऊपर वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यूनिट वाले पार्ट में ऊपर मोल है, और नीचे वाले पार्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब नीचे लीटर लेके चलेंगे, तो हम लोग का यूनिट वाला पार्ट आराम से मोल पर लीटर निकल के आ जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। बहुत ही एलिमेंट्री एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, एकदम सिंपल सा, बस तुम लोगों को डायरेक्टली आंसर बताना है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 200 ग्राम ऑफ NaOH इन अ 500 ml सॉल्यूशन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 200 ग्राम ऑफ NaOH इन अ 500 ml सॉल्यूशन। सर 2.5 पक्का? हमको तो नहीं लग रहा यार सर। 10 10 10, हाँ 10 10 में भी पॉसिबिलिटी है। 5 डिवाइडेड बाय 5 ऊपर 10 जाएगा। यस सर, 10 10 10 आंसर 10 के बराबर होगा। चलो जान दो, जैसे सवाल में मोलैरिटी निकालने बोला और सवाल में 200 ग्राम ऑफ NaOH दिया, और NaOH वाला पार्ट सॉल्यूट होता है इन जनरल, और यहाँ पे 500 ml ऑफ सॉल्यूशन दे रखा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करना, जैसे अभी तो एलिमेंट्री पार्ट ये शुरू हुआ है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस सवाल में कैलकुलेशन करते वक्त पूछा क्या क्या है और उसको निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, बट यहाँ पे मास दे रखा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए जो कि दे रखा है। तो एक काम तो आसान हो गया अपने लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है जो कि 500 ml के बराबर है,
बट हम लोग ml के टर्म में काम नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा लीटर के टर्म में काम कर रहे होते हैं, सबसे पहला चीज। बट एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी कैलकुलेशन तुरंत मत किया करो, कैलकुलेशन एकदम लास्ट स्टेप में करना है। वो एक बार दो बार तीन बार बोल चुके हैं, फिर से एक बार बोल रहे हैं, हमेशा कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करो। बहुत सारी चीजें वैसे ही कैंसिल आउट हो जाती है, तो हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस एक चीज का एकदम ध्यान रखना ही रखना है, ये कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करना है। तो यहाँ पे चाहते तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, बट हम यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहे। दूसरा, वेट ऑफ NaOH वाला पार्ट दे रखा 200 ग्राम के बराबर, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। शुरू के दो तीन लेक्चर्स में इस चीज का डिस्कशन किया था मोल्स वाले पार्ट में। जिन लोगों को ये चीज नहीं आता, वो एक बार उन लेक्चर्स को जरूर जाके देख लो हम लोग के यूट्यूब चैनल से। वहाँ पे अलग से एक बैच के नाम से तुम लोग के वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखे हैं हम लोगों ने। तो वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 200 ग्राम, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट वाला पार्ट 200 ग्राम है और NaOH वाले पार्ट का मोलर मास 40 के बराबर आएगा। कैसे आएगा? तो उसके इसमें 23 प्लस 16 प्लस 1, इसका मतलब टोटल 23 प्लस 124 प्लस 16 मतलब 40। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 5 के बराबर आ गए। अब हम लोग एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, इस कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। जैसे हम लोग जब कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, तो कंसंट्रेशन वाले पार्ट को कैलकुलेट करते वक्त हमेशा हम लोग लिखने का एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक काम कर सकते थे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NaOH ऐसा लिख सकते थे, या फिर इन जनरल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल में NaOH। इसका बेसिक मतलब ही माना जाता है कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। मतलब इन जनरल हम लोग कंसंट्रेशन वर्ड यूज करें या फिर हम लोग मोलैरिटी वर्ड यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही वर्ड एप्लीकेबल है, कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। और ये बड़े ब्रैकेट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ये कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 5 के बराबर है, वॉल्यूम वाला पार्ट 500 ml के बराबर है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो हम लोग इसको लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, मतलब बेसिकली 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 1000 से नीचे डिवाइड करो या इसको उठा के ऊपर ले जाओ, मतलब बेसिकली ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम चीजें हैं। तो यहाँ से ये पार्ट कैंसिल आउट होगा, ये पार्ट कैंसिल आउट होगा, बचेगा वैल्यू 10। इसमें भी लिखने का तरीका ध्यान रखना है, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 10 ml लिखेंगे, और बोलने का तरीका होगा 10 मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी है इसलिए मोलर सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू 10 मोलर, या मोलैरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू 10, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। 10 के साथ कैपिटल M लिखो, या फिर हम लोग 10 के साथ आराम से मोलर वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। कोई अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेना, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो, फाइंड द कंसंट्रेशन। जब भी कंसंट्रेशन बोलेगा मतलब बाय डिफॉल्ट मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ढंग से सोचना, सॉल्व हो जाना चाहिए। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉल्यूशन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, where solution contains 100 gram of calcium carbonate and 900 gram of H2O। और सवाल में सॉल्यूशन वाले पार्ट का डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर ml। जिंदगी आसान कर रखी है तुम लोगों की क्वेश्चन में वैल्यूज को सिंपल रख के। ट्राई करके देखो। आशीष, तुम्हारा पहला क्लास है क्या? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। 10/9 होगा आंसर। 10/9 होगा आंसर, पक्का? यस सर। नहीं सर, गलत है। गलत है। हाँ, सुमित तुम्हारा भी पहला क्लास है? सुमित क्लास क्या? सर मेरा भी फर्स्ट क्लास है। समझ आ रहा है ये सब चीज? गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने क्या बोल रहे सुमित? सर मैंने स्टडी नहीं किया है अभी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एक बार चीजें सुन लो ढंग से,
ताकि धीरे धीरे कनेक्शन समझ में आना शुरू हो, और थोड़ा बहुत फॉर्मूला नाइन्थ में पढ़ा होगा तुम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स का। अगर नहीं समझ में आएगा तो लेक्चर देख लेना जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करके डाला है, तुमको सारे कनेक्शन समझ में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अभी सुन लो लेक्चर आराम से। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जयदेव, गुड मॉर्निंग जी। आई एम द फादर ऑफ ज्योतिरंजन आचार्य। सर राइट नाउ वी आर इन अ क्लास सो वी कैन नॉट डिस्कस something over the class. Kindly give the my son Jyotirandan Acharya now joined in your class. Okay. 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 Fine. 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 Okay. Fine. Okay, sir. Hi. Kitna answer aaya isme? One by mera to 10 by 9 hi aa raha hai. 10 by 9 aa raha hai. Pakka. Sir, it's nahi aa raha hai. Dekho, introduce kar. Sahi answer batao bhai. सोच के देखो ये बाकी लोग भी। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट बहुत भी मुश्किल नहीं है, सोच के देखो। जयदीप वीडियो की जरूरत नहीं है और क्लास के टाइम पे ऑडियो ऑफ रखेंगे, ठीक है, वीडियो हम आपका ऑफ कर रहे हैं, क्लास के टाइम पे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सोच के देखो भाई सब लोग, आंसर आ गया है 1, मतलब बेसिकली 1 मोलर होगा। हाँ भाई रवि, इस चीज का ध्यान रखना जब भी आंसर बोलना तो इस टाइप से ही बोलना, 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर, अभी मिस्टेक समझ में आ गया, 1 ही होगा। 1 ही होगा, ओके। बाकी लोग बताओ भाई, जल्दी सोचो 1 कैसे होगा सर, क्योंकि 1000 ml मिलके 1 लीटर बन जाएगा। हाँ चलो ध्यान दो, एक चीज सबसे पहला पार्ट फॉर्मूले का ध्यान रखना है, सवाल में दे रखा मोलैरिटी, ठीक है। अब मोलैरिटी वाले पार्ट में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा जो कि लीटर में चाहिए, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। और इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, सवाल में फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉल्यूशन वेयर, या फिर इन विच द सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ CaCO3 एंड 900 ग्राम ऑफ H2O। तो 900 ग्राम H2O तो दे रखा है, डेफिनेट सी बात है, लेकिन हम लोगों के पास सवाल में 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा, मतलब हम लोगों के पास अगर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए था ये भी नहीं दे रखा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था ये भी नहीं दे रखा, दोनों निकालना पड़ेगा। तो अभी जस्ट ऊपर फॉर्मूला मेंशन किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो जब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना आसान सा काम है, 100 ग्राम दे रखा मास और वेट अपॉन मोलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 के बराबर आएगा क्योंकि कैल्शियम का मास नंबर 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन वाले पार्ट को 16 × 3 करेंगे मतलब 48, इसको सम अप करेंगे तो 100 के बराबर, तो यहां से वैल्यू 1 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर निकल के आ गया, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। बट अभी भी हम लोगों को सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो निकालने के लिए हम लोगों के पास सॉल्यूशन का मास भी नहीं दे रखा, डेंसिटी दे रखा है, ऑल्दो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सुना है बचपन से सुनते आ रहे ये चीज। तो सवाल में सॉल्यूशन का डेंसिटी निकालने के लिए एटलीस्ट सॉल्यूशन का मास होना चाहिए, यहाँ पे सॉल्यूट का मास दे रखा, सॉल्वेंट का मास दे रखा बट सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा। लेकिन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सॉल्यूशन वाले पार्ट का जो वेट होता है वो सॉल्यूट के वेट प्लस सॉल्वेंट के वेट के सम के बराबर होता है, तो सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट इज इक्वल टू सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूट का वेट दे रखा था 100 ग्राम के बराबर और सॉल्वेंट का वेट दे रखा था 900 ग्राम के बराबर, मतलब टोटल मास हो जाएगा 1000 के बराबर का। तो इस केस में वेट ऑफ सॉल्यूशन तो निकल के आ गया 1000 ग्राम के बराबर, ये सबसे पहला पार्ट हुआ। अब उसके बाद हम लोग को अगर वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जो साइड में लिखा है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी लिख सकते थे हम लोग, और हम लोग के क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा था 1 ग्राम पर ml के बराबर। तो इस केस में आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, मास वाला पार्ट 1000 ग्राम है और अपना डेंसिटी वाला पार्ट 1 ग्राम पर ml है, तो ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ml ऊपर जाएगा, इसका मतलब आराम से 1000 ml के बराबर वैल्यू आएगा।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया, नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट निकल के आ गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन वाले पार्ट में इस चीज को आराम से पुट अप कर सकते हैं, 1/1000 ml, लेकिन क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके 1 के बराबर रख सकते हैं, आंसर अपना 1 मोलर निकल के आना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल इतने एलिमेंट्री में नहीं, हम तुमको एकदम सिंपल सिंपल नंबर ऑफ मोल देंगे, वॉल्यूम देंगे, ऐसा सवाल नहीं कराने वाले, जी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा हाई लेवल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन के बाद हम लोग तुरंत थोड़ा हायर लेवल पे मूव करेंगे, अभी क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा, सोच के देखो इस चीज को, अगर इसमें कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, और नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलो जो लोग नए हैं आज उनसे ही थोड़ा बहुत सवाल करते हैं एक दो। आशीष एक चीज बताओ। यस सर। होली खेला है कभी? यस सर। पक्का? पक्का। जैसे मान लो कि हम लोग कौन सा कलर यूज करता है होली में, ऐसे बाल्टी में रंग भरने के लिए? सर ब्राउन कलर यूज करते हैं। ब्राउन कलर होली में कहां से आता है बे? आ तो जाता है बाल्टी में बोलते ना उसके बाद सर। ब्राउन कलर? जी सर। मिट्टी हो रहा था सर। कौन सा? कीचड़? कीचड़ की बात कर रहा है क्या तू? नहीं सर, नहीं सर। तुमसे ज्यादा उम्र है मेरा, बट हम आज तक ब्राउन कलर तो नहीं देखे यार, रेड कलर देखे, ग्रीन कलर देखे, पर्पल कलर देखे, ब्राउन कलर। हम ये सवाल दूसरे वैश्यों पूछे तो चमकीला कलर यूज कर लिया था। चमकीला कलर से पानी में रंग कैसे मिलाते हैं भाई? वो तो केवल चेहरे पर लगाने के लिए होता है चमकीला कलर, गोल्डन कलर और सिल्वर कलर कैसा हो? पानी में मिलाते ना, उसको भी पानी में मिला देते हैं। पता नहीं भाई, हम तो ऐसा कलर से होली नहीं खेले हैं, बड़ा घटिया होली खेलता है तुम लोग तो। तुम लोग होली भी खेलने नहीं आता, सब पबजी का जनरेशन बर्बाद है पूरा। खैर चलो, तो मान लेते तुम्हारा, मान लेते चलते रहे, ब्राउन कलर लेके चल लेते, ठीक है? अच्छा ब्राउन रंग हो जाएगा ना, है कि नहीं? चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग ब्राउन रंग लेके चले तो एक चीज बताओ, अगर हम लोग को रंग जो है उसको थोड़ा डार्क करना है तो क्या करेंगे? और सारा रंग डाल देंगे। और रंग डाल देंगे है ना, तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग कलर को ऐड कर देंगे, ठीक है? कलर का मतलब रंग ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है? और अगर मान लो कलर को लाइट करना है तो क्या करेंगे? तो इसी सॉल्यूशन को दूसरे एक कंटेनर में डाल के फिर एक एक कंटेनर में और सारा पानी डाल देंगे, या फिर उसी में से पानी डाल देंगे तो और लाइट हो जाएगी। उसी कंटेनर में तो और पानी डाल सकते हैं ना, दूसरे कंटेनर को काहे गंदा कर रहा है? गंदा कर रहे सर, उतना ही वॉल्यूम रखने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, तो दूसरे वाले केस में क्या करेंगे? लाइट करना है तो वाटर ऐड कर देंगे। चलो ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से कलर हटा नहीं सकते, ऐसे ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दे कलर? तो कलर कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, उसमें तो आप भूल गया ना, नहीं कर सकते। चलो ठीक है, यही सवाल पूछना चाह रहे थे बेसिकली। चलो भाई ध्यान दो, बाकी लोग ये चीज तो एक्सपेरिमेंट देख ही रखे होंगे, बचपन से करते आ रहे हैं, और नहीं करते यार तो डूब मरो कहीं जाकर के तुम लोग। होली नहीं खेलता है अगर तो सीरियसली जाके डूब मरो, नालायक लोग एकदम फिर तुम लोग। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग अगर एक कलर बना रखे हैं सैंपल में, तो उस कलर को जब हम लोग डार्क कर रहे हैं तो सुना होगा गाढ़ा करना है रंग थोड़ा, तो गाढ़ा करने का मतलब है बेसिकली हम लोग सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर रहे हैं, या बेसिकली कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जब हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को ओवरऑल हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, और जब कंसंट्रेशन को कम करते हैं मतलब रंग हल्का करते हैं तो इस केस में हम लोग इस प्रोसेस को इन जनरल डाइल्यूशन बोलते हैं। ये टर्म सुन रखा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करना होता है, ठीक है आप अपना ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करना होता है तब उस केस में हम लोग टर्म कंसंट्रेशन यूज करेंगे, और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करना होता है तो टर्म हम लोग डाइल्यूशन यूज कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, कंसंट्रेशन के टाइम पे कलर ऐड किया था, कलर बेसिकली वाटर में ऐड कर रहे थे, वाटर सॉल्वेंट था तो कलर वाला पार्ट सॉल्यूट था। बेसिकली ये चीज है कि जब हम लोग कंसंट्रेशन कर रहे हैं या फिर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, जब हम लोग कंसंट्रेशन को घटाना चाहते हैं मतलब डाइल्यूशन करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग वाटर वाले पार्ट को ऐड कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना है। मान लो जैसे ऐसा बोला मैंने कि हम लोगों को कलर जो था वो थोड़ा ये करना था, मतलब कलर वाले पार्ट को थोड़ा लाइट करना था, तो हम लोग यहाँ से कलर थोड़े ना हटा पा रहे थे। मान लो हम लोग की दो पुड़िया रंग डाले थे, ठीक है, दो जो पैकेट आता है वो दो पैकेट रंग डाले थे, तो दो पैकेट पहले था, बाद में भी वही दो पैकेट रहेगा, ये दो पैकेट चेंज नहीं होने वाला है। शुरू में दो पैकेट लिए थे, बाद में भी दो ही पैकेट लेके चल रहे हैं, बस हम लोग वाटर का एडिशन कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूट को रिमूव नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट डाइल्यूशन के टाइम पे हम लोगों का जो इनिशियल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वही रहेगा, केवल सॉल्वेंट चेंज कर रहा था। तो हम लोग इस पूरे कंसेप्ट में जब डाइल्यूशन करते हैं तो ये ध्यान रखते हुए काम करते हैं कि डाइल्यूशन के टाइम पे या मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के टाइम पे कभी भी हम लोग सॉल्यूशन वाले पार्ट में सॉल्यूट का ही सॉल्यूट को चेंज नहीं कर रहे होते हैं, केवल सॉल्वेंट वाले पार्ट का एडिशन कर रहे होते हैं। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम एक छोटा सा सवाल पूछने वाले हैं तुम लोगों से, उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, जो कि डाइल्यूशन से के कंसेप्ट से रिलेटेड है। लोग उसको ऐसा फॉर्मूले में मेंशन कर देते हैं M1V1 is equal to M2V2, हम ऐसा फॉर्मूला नहीं बताने वाले तुमको, इसलिए भी नहीं बताने वाले क्योंकि ऑलरेडी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, याद रखने के लिए फॉर्मूला जितना कम से कम याद रखो उतना बेटर है। लोग फॉर्मूला इसलिए बताते हैं ताकि जिंदगी आसान रहे, फॉर्मूला बता देंगे और बोलेंगे फॉर्मूला में पुट करो आंसर निकल के आएगा। आंसर निकालने का जनरलाइज तरीका है, जनरल तरीके से चीजें करेंगे तो दो साल तक चीजें याद रहेंगी, क्योंकि एक साल याद नहीं रखना है, इधर दो दो साल याद रखना है चीजें। तो जितना कम से कम फॉर्मूले में काम करो, जितना सिंपल तरीके से काम करो उतना ही बेटर होगा, एकदम बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखते हुए काम करना है। तो इसलिए फॉर्मूला हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, जो तुमको कंसेप्ट बताया कि जब भी हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तब उस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट हमेशा कांस्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्राई करके देखो। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड must be added to a 1 liter 10 molar solution at 10 molar HCl solution to convert its concentration to 0.1 molar. How much water must be added to a 1 liter solution, yeah, 1 liter 10 molar HCl solution to convert its concentration to 0.1 molar? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। और जो होली में रंग खेलते हैं उससे इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। सर 100 लीटर 100 लीटर पक्का? यस सर यस पक्का 100? यस सर। अगर हम बोले तो गलत है तो ये सही है लग रहा है जैसे क्या सही है, अगर हम बोल दिए गलत है तो नहीं सर गलत कैसे हो सकता है। 99 लीटर क्या है? 99 लीटर 99 लीटर किसका आंसर है 99 लीटर? रवि शेखर बढ़िया भाई, 99 लीटर है, 100 लीटर आंसर नहीं है। अब बताओ सर फिर से वही मिस्टेक हो गया फिर से वही मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं करने का है भाई, बार बार एक ही मिस्टेक। देखो एक बार मिस्टेक किया अच्छी बात है, दूसरे बार मिस्टेक किया तो भी ठीक है, तीसरी बार मिस्टेक करेगा तो गधा है तुम, बार बार एक ही गलती क्यों दोहराना है? बुरा मत मानना इन सब चीजों का, उतना लाइटली हम बात करेंगे, लेकिन एक बार मिस्टेक किया, दूसरे बार कर लिया, तीसरे बार अगर किया तो देख लेना भाई तुम्हारा नाम हम चेंज करवा देंगे, ठीक है? Okay. चलो ध्यान दो। How much water must be added to a 1 liter 10 molar HCl solution to convert this concentration to 0.1? तो पहले ये चीज देखो, concentration वाला part decrease कर रहा है, 10 से 0.1 जा रहा है, मतलब पूरे process में हम लोग dilution carry out कर रहे हैं। और अब एक हम तरीका बताने वाले हैं तुम लोगों को question को calculate करने का, थोड़ा इस तरीके के step का ध्यान रखना है, बड़ी simple तरीके से calculation होता है। जैसे नॉर्मली लोग करते क्या है कि इस केस में करना क्या होता है, ऐसा जैसे शुरुआत में
ऐसा लिख सकते थे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से एक चीज अभी मालूम पड़ गया था कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होने वाला है। HCl का कंसंट्रेशन 10 मोलर के बराबर है और वॉल्यूम वाला पार्ट 1 लीटर के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स 10 के बराबर आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुम लोगों को बोला मैंने कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ये कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब HCl का फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 के बराबर अगर है तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते थे HCl फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो कि पहले ही वाले पार्ट के बराबर था डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनल। तो यहां से आराम से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाले तो 10 डिवाइडेड बाय HCl का कंसंट्रेशन 0.1 पुट अप करके काम कर सकते हैं। यहां से वॉल्यूम 100 लीटर आएगा, लेकिन सवाल में ये फाइनल वॉल्यूम है, लेकिन हम लोग सवाल में पूछे क्या है, ये थोड़े ना पूछे कि फाइनल वॉल्यूम कितना है। सवाल में ये पूछा गया है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना पानी ऐड करें। तो पहले से एक लीटर है, फाइनली हम लोग को 100 लीटर चाहिए, तो कितना पानी ऐड करें, तो डेफिनेटली 99 लीटर ऐड करेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ये चीज 99 लीटर के बराबर होना चाहिए। एक ये तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें हम लोग एक जगह से नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को निकाल के दूसरी जगह पे पुट किए और वहां से आंसर निकाल लिए। ये बहुत ही एलिमेंट्री तरीका है, 8, 9, 10 बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़ा तरीका चेंज करो। क्या तरीका करना है उसको मेंशन कर रहे हैं। जब भी कभी किसी एक गिवन फॉर्मूले में कोई भी पार्ट कॉन्स्टेंट रहेगा तो उस कॉन्स्टेंट पार्ट को कैलकुलेट मत करना, उसको कैलकुलेशन में रिमूव करने की कोशिश करना। कैसे रिमूव कर सकते हैं तो इसकी बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ H2O जो ऐड कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग V के बराबर ले लेते हैं। तो अगर वॉल्यूम फाइनल की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में पहले से या बकेट में पहले से 1 लीटर पानी था, उसमें V वॉल्यूम ऐड कर दिए तो टोटल वॉल्यूम V प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोगों को कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मालूम है, अगर हम लोग कंसंट्रेशन का अगर हम लोग को फॉर्मूला मालूम है तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग कुछ करना नहीं है, बस पहले ये देखना कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है। ये जो चीजें मैंने लिखा है ये सब तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रखना है केवल, क्योंकि हम समझा रहे हैं तो इसलिए हम इन सब चीजों को कंसिडर करके चल रहे हैं। शुरुआत में बस ये कंसिडर करते हुए काम करना कि हम लोगों का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 10 के बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं n के बराबर है और वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर था, तो उसको लिख दिया, बस ऐसे ही लिख दिया। दूसरा, फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 के बराबर करना था, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होता और वॉल्यूम वाला पार्ट v प्लस 1 के बराबर है। तो इस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन फाइनल कंसंट्रेशन का रिलेशन अगर मालूम है तो बस एक काम करना, दोनों चीजों को ऊपर नीचे लिखना, या इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे हमेशा दोनों चीजों को ऊपर नीचे लिखना और ऊपर नीचे लिखने के बाद बीच में एक लाइन खींच लेना। एक लाइन खींचने का मतलब है कि हम लोग आराम से यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं बेसिकली। तो डिवीजन करने का मतलब है एन डिवाइडेड बाई वन डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई वी प्लस वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैलकुलेट ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वी प्लस वन ऊपर चला जाएगा। इधर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 10 डिवाइडेड बाई 0.1 100 के बराबर होगा, इज इक्वल टू वी प्लस 1, यहाँ से वी इज इक्वल टू 99 अपना आंसर आराम से निकल के आ सकता है। तो जो तुम्हारा ये स्टेप है ये बचपन का स्टेप है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन टाइम बचाना सीखो, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना सीखो। तो यहाँ पे जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को लिखने के जगह पे हम लोग सीधा कंसंट्रेशन के फॉर्मूले के हिसाब से इनिशियल कंसंट्रेशन लिखे, फाइनल कंसंट्रेशन लिखे, एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे और बीच में लाइन खींच के डिवीजन कर लिए। तो जो चीजें चेंज नहीं हो रही है वो वैसे के वैसे ही रह गई और कैंसिल आउट हो गया। और जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो इस केस में अपना वैल्यू वॉल्यूम के टर्म में आराम से निकल के आ गया, वहां से वॉल्यूम 99 लीटर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। नोट कर लीजिए इसको, ये तरीका थोड़ा ध्यान रखना, आगे काम आएगा। और इसको अगर नोट कर लिया है तो फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। इसे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिकली एक सॉल्यूशन को ऐसा मेंशन करते हैं, अभी इसको नोट मत करना, कोई एक सॉल्यूशन ए है
जिसका कंसंट्रेशन C1 के बराबर है, वॉल्यूम V1 के बराबर है। इसको हम लोग किसी दूसरे A के सॉल्यूशन के साथ, मतलब सेम कंपाउंड के सॉल्यूशन के साथ एड अप करना चाह रहे हैं, जिसमें दूसरे का कंसंट्रेशन C2 है और वॉल्यूम V2 के बराबर है। तो जब दोनों को हम लोग एड अप करेंगे, जो फाइनल कंसंट्रेशन निकल के आएगा, इसका फाइनल कंसंट्रेशन जो भी निकल के आना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को इस पार्ट को थोड़ा डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली एक छोटे से हेडिंग के टर्म में काम किया करते हैं। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर, और हेडिंग डालने के बाद इस पूरे पार्ट को नोट कर लो जो नीचे वाला पार्ट मेंशन कर रखा है। और नोट करने के बाद थोड़ा ध्यान देना। तो हम लोग बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लेकर के चल रहे हैं, कंसंट्रेशन और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो जब हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल बाय वॉल्यूम फाइनल, या नंबर ऑफ मोल्स टोटल बाय वॉल्यूम टोटल, ऐसा आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्सअप कर रहे हैं जिसमें एक का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है, तो इसका मतलब जो हम लोग का यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम आएगा, ये फाइनल वॉल्यूम वाला पार्ट डेफिनेटली दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होना चाहिए, मतलब बेसिकली V1 प्लस V2 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहला कंसिडरेशन ये हो गया। दूसरा, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में एक काम करते हैं, इस सॉल्यूशन में यहाँ पे A लिख लेते हैं और दूसरे वाले पार्ट को B कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ए के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ चले जाएंगे, बी वाले पार्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स इसी में आ जाएंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, आराम से लिखा जा सकता है। इसमें होगा क्या, तो इस केस में जैसे हम लोगों का शुरुआत में कंसंट्रेशन दे रखा था C1 एंड V1, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ मलदीप, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, शुरुआत में ऐसा हम लोग ने लिखा था अभी, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन, ए वाले पार्ट का कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो C1 इनटू V1 ले सकते हैं। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू C2 इनटू V2 लिया जा सकता है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वाला पार्ट C1 V1 के बराबर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वाला पार्ट C2 V2 के बराबर। तो अगर इस टोटल नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पुट करें और टोटल वॉल्यूम को भी पुट करें, तो वहाँ से अपना फॉर्मूला आराम से निकल के आएगा, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर विल बी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। और यहाँ से हम लोग का अपना आंसर आराम से निकल के आ सकता है। फॉर्मूला नोट कर लो और कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेशन से पहले एक दो हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिक्सचर वाले पार्ट पे आएंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा क्वेश्चंस कैलकुलेट करने में। इसे एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करके बताओ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 अगर 2 मोलर के बराबर है तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा एंड SO4 2- का कंसंट्रेशन कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 अगर 2 मोलर के बराबर है तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा और सल्फेट आयन SO4 2- का कंसंट्रेशन कितना होगा। सर H+ का 4 है। इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं सिंपली, जैसे हम लोग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 से केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ को रिलेट करना है। सिंपली एक चीज देखो, पूरे के पूरे इस मॉलिक्यूल में H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम है,
मतलब बेसिकली और 10th क्लास में पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ये चीज पढ़ा होगा कि जब हम लोग H2SO4 को वाटर में डालते हैं तो 2H+ मिलता है और एक SO42- मिलता है। बेसिकली हम लोग के पास एक डाइप्रोटिक एसिड दे रखा है या डाई बेसिक एसिड दे रखा है। तो इस केस में एक H2SO4 2H+ बना रहा, मतलब जितना H2SO4 होगा उसके अंदर 2 गुना H+ होगा। तो जितना H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से, जितना H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स होगा हम लोग के H+ का मोल्स इससे जस्ट डबल होगा, मतलब H+ का नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के जस्ट डबल के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करें, नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दें, तो उस केस में हम लोग का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट आराम से डबल हो जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन में अगर H2SO4 का कंसंट्रेशन 2 मोलर है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो जितना H2SO4 उसका 2 गुना H+, इसका मतलब 4 मोलर H+ आराम से लिख सकते हैं हम लोग। सल्फेट आयन की बात करें तो क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फेट आयन है, तो 2 के अंदर 2 सल्फेट आयन होगा, 10 के अंदर 10 सल्फेट आयन होगा। तो जितना H2SO4 उतना ही सल्फेट आयन, और जितना सल्फेट आयन का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा, कंसंट्रेशन हम लोग आराम से रिलेट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अगर सल्फेट आयन के बराबर हो गया तो जितना H2SO4 का कंसंट्रेशन होगा उतना ही सल्फेट आयन का भी कंसंट्रेशन होगा, मतलब यहाँ वाले पार्ट में 4 मोलर और नीचे वाले पार्ट में 2 मोलर सॉल्यूशन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं जिस चीज को पोटाश एलम भी बोला जाता है, बेसिकली डबल सॉल्ट है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, K2SO4.Al2SO4 ⋅ 24H2O। सवाल में इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर के बराबर दे रखा, तो यहाँ से K+ का कंसंट्रेशन निकालो कितना होगा, यहाँ से SO42- का कंसंट्रेशन मतलब सल्फेट आयन वाले पार्ट का कंसंट्रेशन निकालो कितना होगा, और Al3+ का कंसंट्रेशन निकालो कितना होगा। ट्राई करके देखो फटाफट, और फिर हम लोग रिजल्टेंट कंसंट्रेशन पर मूव करते हैं। सर बोलो, आंसर बोले। हाँ हाँ बोल बोल। ए प्लस का आएगा 0.2 मोल, 0.2 मोलर। हाँ, एसओ फोर टू माइनस का 0.3 एम, 0.3। एसओ फोर और भी बताना चाहेगा सर? एसओ फोर का 0.4 एम, 0.4 एम, और एल एल्युमिनियम का 0.2 एम, 0.2 एम। ठीक है, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पोटेशियम का 2 एटम है, तो जितना मॉलिक्यूल उसके अंदर जस्ट 2 गुना पोटेशियम, तो जितना मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन उसका जस्ट डबल पोटेशियम का कंसंट्रेशन। तो अगर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन 0.1 है तो पोटेशियम प्लस का कंसंट्रेशन 0.2 के बराबर हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सल्फेट आयन यहाँ भी है और दूसरे साइड भी है, तो एक तरफ 3 सल्फेट आयन है और एक तरफ 1 सल्फेट आयन है, मतलब टोटल मिला के 4 सल्फेट आयन हो गया। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 4 सल्फेट आयन है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आराम से कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स रख सकते हैं, 0.4, और Al3+ टोटल 2 दे रखा। तो एक मॉलिक्यूल में 2 है, इसका मतलब आराम से 0.1 वाले पार्ट में कंसंट्रेशन को डबल कर सकते हैं 0.2 मोलर के बराबर। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ। और हाँ भैया आशीष, यस सर, नाम चेंज कर दे तुम्हारा? नहीं सर। पक्का? अवेयर नहीं होगा। हम तुमको मौका दे दिया, हम तुमको मौका दे रहे हैं, तुम बार बार वही काम कर रहा है। चलो ध्यान दो, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द, और इसमें कुछ कुछ पार्ट्स है, मतलब अलग अलग पार्ट्स होंगे ताकि तुमको हर तरह के सिनेरियो का आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ज्यादा फास्टली कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द फाइनल H+ आयन कंसंट्रेशन, फाइंड द फाइनल H+ आयन कंसंट्रेशन इन द गिवन मिक्सचर्स
in the given mixtures. पांच-छह पार्ट्स है, पहले पहला पार्ट कैलकुलेट करो, फिर दूसरा देंगे, फिर तीसरा देंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट होता जाएगा. फटाफट बोलते जाना, जिसका भी आंसर आता जाएगा बोलते जाएगा, उसमें लेट नहीं करना है, फास्टली कैलकुलेशन करेंगे सब चीजों का. सर वन पहले वाले का वन. चलो ध्यान दो, एक चीज का ध्यान दो, जैसे इसको हम पहले इलेबोरेट करके समझा रहे हैं, ठीक है, पहले आराम से सारा कैलकुलेशन समझा रहे हैं, फिर एक छोटा सा तरीका बताएंगे, वो तरीका ध्यान रखना. सबसे पहला पार्ट, जैसे सवाल में एच प्लस का कंसंट्रेशन निकालने बोला है, पूरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नहीं बोला है, तो इस केस में अगर हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें फर्स्ट पार्ट की तरफ से, तो पूरे HCl मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन है, तो जितना HCl उतना ही हाइड्रोजन, मतलब जितना HCl का कंसंट्रेशन एग्जैक्टली उतना ही कंसंट्रेशन हम लोग H प्लस का ले सकते हैं. तो इस केस में पहले वाले साइड की तरफ से H प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा और वॉल्यूम वाला पार्ट 2 लीटर. फिर जब दूसरे वाले पार्ट की तरफ से बात करें, तब उस केस में भी जो HCl सेकंड वाले पार्ट में दे रखा उसके बराबर का कंसंट्रेशन 1 मोलर 2 लीटर. तो हम लोग अगर अपना फॉर्मूला अप्लाई करें, एच प्लस रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, तो फॉर्मूला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2. फॉर्मूला वगैरह नोट करते जाना भी अपने कॉपी में, ताकि दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. तो C1V1 1 × 2 प्लस C2V2 1 × 2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, 2 प्लस 2 ले सकते हैं. तो ओवरऑल ऊपर 2 प्लस 2 4, नीचे भी 2 प्लस 2 4, इसका मतलब वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 मोलर. अब एक चीज ध्यान रखना, सीधा इस तरीके को, इस ट्रिक को ध्यान रखना, इसमें कैलकुलेशन मत करना कभी भी. अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो फाइनल कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी सेम, स्पीसीज सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग अलग पार्ट हो. यहाँ पे एच प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर है पहले वाले साइड की तरफ से, दूसरे वाले साइड के तरफ से भी H प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर है. अगर दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं और दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा सेम आएगा, कैलकुलेशन मत करना, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने का, सीधा आंसर लिख दिया करना, हमेशा सेम आएगा. करके देख लेते हैं, एक दो एक्सपेरिमेंट्स और करके देख लेते हैं. जैसे मान लो सेकेंड सवाल दे रखा 2 मोलर 500 ml HCl प्लस 2 मोलर 1500 ml HBr, ट्राई करके देखो. तुम लोग को नॉर्मल, अरे हमको भी मालूम है 2, तो हम ही ट्रिक बता रहे, हम ही को बता रहे. नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखो एक बार कि हम जो तरीका बताया उस पे वो चीजें वैलिड हो रही कि नहीं हो रही. नॉर्मल कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लो, जो C1V1 बताया था उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके देखो, क्योंकि उसमें भी एक और चीजें बताएंगे हम, डिस्कस करेंगे उसमें क्या हम लोग एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. वो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन आएगा, पहले फॉर्मूला आएगा, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस चलेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा. लोगों को ये चीज नहीं समझ में आता है कि जेई मेंस एडवांस और बोर्ड में क्या डिफरेंस है सब जगह एनसीईआरटी डिफरेंस लेवल का. हाँ, 2 आंसर आना चाहिए. डिफरेंस क्वेश्चन के लेवल का है. बोर्ड में एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन कराया था, मेंस में थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन, और ये सब एडवांस क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल में बढ़ते चले जाएंगे. चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग पहले वाले पार्ट की तरफ से H प्लस का कंसंट्रेशन निकाले, आंसर तो 2 आना चाहिए कंसंट्रेशन वाला पार्ट. अगर हम लोग देखें तो दोनों तरफ से H प्लस का कंसंट्रेशन 2 के बराबर होगा, भले ही यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, एक तरफ HCl दिया और दूसरी तरफ HBr दे रखा. तो H प्लस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग कंसिडर करें तो आराम से कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू 2 मोलर ले सकते हैं और 500 ml. दूसरा H प्लस फ्रॉम द सेकेंड पार्ट will be equal to HBr में भी एक ही H plus है, तो जितना HBr उतना ही H plus. इसका मतलब दूसरे साइड में भी 2 मोलर और इस पर वॉल्यूम 1500 ml है. तो अगर H plus का कंसंट्रेशन सेम है
तो फाइनल कंसंट्रेशन सेम ही होगा, ये हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं पहला चीज, बट फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं. सी रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लीटर, इसको वॉल्यूम इसमें लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 लीटर. तो इस केस में सी वन इंटू वी वन टू इंटू 0.5 प्लस सी टू इंटू वी टू 1.5 डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, मतलब 0.5 प्लस 1.5. तो यहाँ से ऊपर का जो वैल्यू है 2 इंटू 0.5 मतलब 1 आएगा, यहाँ 1.5 इंटू 2 मतलब 3 आएगा, और नीचे में 2 आएगा, मतलब टोटल वैल्यू 2 के बराबर आया. एक तो ये कैलकुलेशन का तरीका जो कि यहाँ के वैल्यू से मैचअप कर रहा है. कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर सेम है तो फाइनल कैलकुलेशन मत करना, आंसर सेम आएगा. ठीक है, पहला चीज. दूसरा एक और चीज, इसको लीटर में कन्वर्ट मत करना, मतलब जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो लीटर में कन्वर्जन करना इज नॉट रिक्वायर्ड. क्यों नहीं रिक्वायर्ड है उसकी बात कर लेते हैं. जैसे अगर हम लोग बिना लीटर के काम करते तो कंसंट्रेशन सी वन इंटू वॉल्यूम वी वन 500 ml है, और ml का मतलब हो गया 10^-3 लीटर, प्लस कंसंट्रेशन सी टू वाला पार्ट 2 के बराबर इंटू वॉल्यूम 1500 ml, मतलब 1500 × 10^-3 ml के बराबर, डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, तो 500 ml मतलब 500 × 10^-3 लीटर, प्लस 1500 ml मतलब 1500 × 10^-3 लीटर. तो ये जो 10^-3 का फैक्टर है ये वैसे भी कैंसल आउट होना है, तो अगर कैंसल आउट होना है तो इसको लिखो या इसको ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम वाला पार्ट ml में अगर रख देते हैं और नीचे भी वॉल्यूम वाला पार्ट ml में रख देते हैं तो वो कैंसल आउट होना ही होना है. तो इसमें भी ये चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम को लीटर में मत कन्वर्ट करना, हमेशा कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हैं मिली लीटर के टर्म में अगर हम लोग को रिजल्टेंट कंसंट्रेशन निकालना है. तो यहाँ वाले पार्ट से ये जीरो कैंसल आउट होगा, ये भी जीरो कैंसल आउट होगा, बचेगा 15 × 2 इसका मतलब 30, 5 × 2 मतलब 10, नीचे 5 + 15 मतलब 20, तो 30 + 10 मतलब 40 आ गया, 40/20 इसका मतलब यहाँ से भी वैल्यू 2 मोलर ही निकल के आएगा. तो कैलकुलेशन मोलरिटी में करो, मतलब कैलकुलेशन वाले पार्ट को मिलीलीटर में करो, लीटर में करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का आंसर सेम निकल के आने वाला है. और ये कंडीशन ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है. कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन में 1 molar 2 liter HCl plus 3 molar 2 liter HBr, फटाफट कैलकुलेट करते जाओ. हाय जयदेव, समझ आ रहा है तुमको क्लास? कोई दिक्कत हो रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है. अरे चलो ओके. तुम्हारा मोल वगैरह सब अगर क्लियर नहीं हो रखा होगा तो हम लोग का लेक्चर देख लेना जो हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखा है. ठीक है? यस, 1.6. कितना का वैल्यू यहाँ पे? 1.6. नहीं भैया, गलत है, ढंग से कैलकुलेट करो. सॉरी सर, 2. ठीक है, दो लोगों का 2 आ गया, बाकी लोग भी ट्राई करके देख लो. अमलदीप, आया आंसर? अमलदीप हाँ सर, निकाल जल्दी निकाल, बाकी लोग भी ट्राई करते जाओ. यस सर, आ गया. बढ़िया. पहला चीज तो ये एच प्लस का कंसंट्रेशन एच सी एल के तरफ से, तो जितना एच सी एल उतना H+, 2 आंसर निकल के आ जाएगा. एच प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर आएगा 2 लीटर के बराबर, और दूसरे वाले साइड से एच प्लस का कंसंट्रेशन 3 मोलर 2 लीटर के बराबर. तो अपना आंसर क्या है? तो उस केस में फाइनल एच प्लस विल बी इक्वल टू सी वन वी वन मतलब 1 × 2 प्लस सी टू वी टू इसका मतलब 3 × 2 डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू 2 + 2. तो यहाँ से 2 प्लस यहाँ वाले पार्ट में 6 और डिवाइडेड बाई 4, तो 2 + 6 मतलब 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 इसका मतलब 2 हो गया. अब एक और ट्रिक ध्यान रखना है यहाँ पे भी. ऊपर जैसे बोला था कंसंट्रेशन सेम है तो फाइनली कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी सेम. अगर वॉल्यूम सेम है तो भी सीधा आंसर लिख सकते हैं, कैलकुलेशन मत करना. अगर वॉल्यूम सेम है तो सी वन प्लस सी टू बाई टू 1 + 3/2, तो टोटल वैल्यू 2 के बराबर आराम से निकल के आ गया. जब तक सवाल में कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों ना चेंज कर दे तब तक हम लोग
ये सब ट्रिक यूज कर लिया करेंगे। इन सब चीजों में टाइम मत खराब किया करना, सब बहुत बेसिक कैलकुलेशन से बार बार आएगा। जैसे एक चीज देख के मालूम पड़ रहा होगा तुम लोगों को कि हम लोग एच प्लस कैलकुलेट कर रहे हैं। एच प्लस कहाँ देखा था अभी तक, बचपन से लेके आज तक एच प्लस कहाँ पे देखा है, कौन से चैप्टर में देखा है? सर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो क्लास 11th में भी एक टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। उस आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का हम लोग पीएच कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो भी कैलकुलेशन तुम लोग को डिस्कस किया है, ये चैप्टर नंबर 9 होता है शायद से, चैप्टर नंबर 8 या 9, एग्जैक्टली वो नंबर ध्यान नहीं है, उस चैप्टर में ये सब कैलकुलेशन रिपीट होंगे। अगर यहाँ पे ये सब चीजें कर रखी है, भारी चीज लग रहा होगा, पहला दिन है तो हो सकता है भारी लग रहा हो सकता है किसी को आसान लग रहा हो, बट अगर यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रखा होगा तो आयनिक में ये सब चीजें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे ये सब चीजें फटाफट कर पाएंगे हम लोग। तो इन सब ट्रिक्स का ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन सेम तो फाइनल कंसंट्रेशन सेम, अगर कंसंट्रेशन की जगह वॉल्यूम सेम तो फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई 2। ये ट्रिक्स ध्यान रखना, अब उसके आगे कैलकुलेशन खुद से करते चले जाओ फटाफट। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा। हमेशा कैलकुलेशन करते वक्त सीधा पेन चलाने मत लगे, लग जाओ, कभी कभी दिमाग चलाया करो। 0.2 इतना स्लो कैलकुलेशन नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सीधा पेन मत चलाओ, कभी कभी दिमाग चलाओ। H2SO4 दे रखा, इसका कंसंट्रेशन 0.1 दे रखा, तो H+ का कंसंट्रेशन जस्ट डबल होगा H2SO4 के कंसंट्रेशन के। 0.25। अबे गधा। यस सर। यस सर ये बोल रहे हैं। अच्छा चलिए एक चीज का जवाब दे, पहले वाले पार्ट की तरफ से H+ इतना ही आएगा? नहीं, पहले वाले में तो दो है ना, H2SO4 में दो है। हाँ, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना लिखेंगे? H2 into जो भी होगा। कितना होगा? 2 into इसका M1V1 करेंगे तो 40। M1V1 करेंगे? हम M1V1 मना किए तो M1V1 कर रहा है? नहीं सर, वही दिमाग में आ जाता है बात। नहीं पढ़ रखा है क्या पहले से? घर में ही पढ़े थे। पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, हम जो सजेशन दे रहे उसको फॉलो करो। बहुत सारे लोग M1V1 बोलते हैं, हम भी लिखे थे उधर कि M1V1 है, बट याद मत करो क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है। हम तीनों चीजें पढ़ाते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों पढ़ाते हैं। हमको मालूम है कि मेरे लिए कितना हेडेक होता है तीनों चीजें याद रखना। इनऑर्गेनिक हम ही से याद नहीं होता, तो दुनिया में लोग जो फिजिकल पढ़ाते हो बोलते हैं फॉर्मूला याद रख लो। अरे कितना चीज याद रखेंगे यार, ऑलरेडी इनऑर्गेनिक कितना याद रखने का, ऑर्गेनिक कितना याद रखने का है। तो जहाँ पे चीजें अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करो। लोगों को लगता है कि वो सिंपल है, ज्यादा आसानी से हो जाएगा, लेकिन दिमाग पे प्रेशर बढ़ जाता है। हम इतना केमिस्ट्री याद रखे, हमको किसी का नाम याद नहीं होता, हमको शक्ल याद है, सामने से देख रहे हैं, पहचान भी अच्छा है, तुम ये था वो था, हमको नाम ही नहीं याद होता है। हमको किसी स्टूडेंट का नाम याद नहीं होता जब तक हम 5-6 बार 7 बार उसका नाम रिपीट ना कर रखे हो कहीं। याद कम करो, चीजें पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है, खुद से पढ़ना एनी टाइम अच्छा होता है। मैंने भी खुद से पढ़ाई करी है केमिस्ट्री, लेकिन याद करने की चीजें अवॉइड करो, जितना कम से कम याद करो एटलीस्ट फिजिकल में। कितना होगा H+ वाला पार्ट? 0.2 के बराबर पहले वाले साइड की तरफ से। दूसरे वाले साइड की तरफ से H+ कितना होगा? 0.2 के बराबर। तो इस केस में H+ का कंसंट्रेशन दोनों की तरफ से सेम है, तो अगर H+ का कंसंट्रेशन सेम है तो फाइनली कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अभी जस्ट ऊपर ट्रिक बताया था, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो फाइनल कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी सेम, इसका मतलब 0.2 मोलर के बराबर आराम से मेंशन करके काम कर सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये सब चीजें दिमाग में कैलकुलेट करो भाई। H2SO4 है तो इसका 2 गुना कंसंट्रेशन, मतलब H+ यहाँ से 0.2 निकलेगा, दूसरे वाले से 0.2 निकलेगा। अच्छा कंसंट्रेशन तो बराबर दिख रहा, चलो मेरा आंसर 0.2 हो जाएगा। हम पेन पेंसिल क्यों चलाएंगे भाई इस चीज में, थोड़ा ध्यान रखा इन सब चीजों को, थोड़ा फास्ट काम करो इन सब चीजों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करो। 0.1 मोलर 200 ml HCl प्लस 0.2 मोलर 300 ml H2SO4। कैलकुलेट करो।
सर हाँ 0.28 हो सकता है, पॉसिबल है, हमको इसका आंसर नहीं मालूम, कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक सेकंड कर लेते हैं। 0.28 चलो देख लेते हैं। हाँ ठीक है 0.28। चलो दो लोगों का आंसर आ गया तो डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पे फाइनल H+ का जो कंसंट्रेशन है वो 0.28 के बराबर होना चाहिए, और एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले वाले साइड से जब H+ कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाले पार्ट से H+ का कंसंट्रेशन आएगा, क्योंकि HCl है तो जितना HCl उतना H+, इसका मतलब H+ का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू HCl का कंसंट्रेशन, और ये चीज लिख सकते हैं 0.1 मोलर के बराबर, और वॉल्यूम 200 ml। दूसरा, सेकेंड वाले साइड से H+ का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 2 times कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। हम ये चीज लिख रहे हैं, आज बाद में कभी भूल के भी नहीं लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, तुम्हारा काम होगा याद रखने का, 0.2 मोलर और वॉल्यूम वाला पार्ट 300 ml। तो यहाँ से अब कंसंट्रेशन भी सेम नहीं है और वॉल्यूम वाला पार्ट भी सेम नहीं है। अगर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों सेम नहीं है तब तो फॉर्मूले के बिना काम नहीं चल सकता। तो यहाँ से H+ फाइनल, H+ कंसंट्रेशन फाइनल इज इक्वल टू C1V1। बस ध्यान रखना है ml को लीटर में कन्वर्ट मत करना, उसके बिना भी कैलकुलेशन हो सकता है। आगे जाते जाते आदत पड़ जाएगा मिली मोल्स के टर्म में कैलकुलेशन करने का, मतलब कैलकुलेशन को मोल्स के टर्म की जगह पे हम लोग आराम से मिली मोल्स कर सकते हैं, ये भी एक टर्म हम लोग यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में 200 + 300, तो इसके हिसाब से अपना जो आंसर है उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर 20 + यहाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 0.2 नहीं है, कुछ गड़बड़ है, 0.2 × 2, इसका मतलब 0.4 होना चाहिए। करेक्शन कर दिया करो भाई, अगर हम लिखते हुए कुछ गलती करते हैं तो करेक्शन कर दो ना, प्रिंटिंग मिस्टेक चलता है थोड़ा बहुत, बट ध्यान रखा करो तुम लोग। तो 0.4 × 300, इसका मतलब 0.4 × 300 हो जाएगा 120 के बराबर, और उसके अलावा नीचे वाले पार्ट में 200 + 300 के बराबर का वैल्यू है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो उसके हिसाब से 12 + 2 = 14, 14/50, तो 14/5 हो जाएगा 2.8 के बराबर, 2.8/10, इसका मतलब अपना आंसर 0.28 के बराबर हो जाना चाहिए, 0.28 मोलर। अगर कोई डाउट है यहाँ तक के पार्ट में किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। जल्दी बोलो कोई डाउट। चलो नहीं सर, अगर डाउट नहीं है तो फिर इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में मूव करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग शुरुआत में जब कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो वहाँ पे सबसे पहला कौन सा कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस किया था? परसेंट W/W। अच्छा, परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी, और सबसे लास्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को डिस्कस करना है ये चीज मोलैरिटी है। ऑलमोस्ट मोलैरिटी के जैसा ही टर्म है लेकिन थोड़े डिफरेंस के साथ है, ऑलमोस्ट उसी के जैसा टर्म है लेकिन थोड़े डिफरेंस के साथ है। एक डिफरेंस तो ये है कि मोलैरिटी में हम लोग कैपिटल M यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्मॉल M यूज करते हैं, बट ये मेन डिफरेंस नहीं है, ये केवल लिखने का तरीका है। डिफरेंस हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं, मोलैरिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रहा करता था और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। यहाँ पे नीचे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहता है उसमें दिक्कत नहीं है, नीचे वॉल्यूम वाले पार्ट के जगह पे हम लोग वेट लेके चलते हैं, और वेट वाला पार्ट भी हम लोग सॉल्वेंट का लेके चलते हैं। सॉल्वेंट का लेके चलने का मतलब है कि हम लोग इस पर सॉल्यूशन के टर्म में काम नहीं कर रहे, केवल हम लोग सॉल्वेंट के टर्म में काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे भी जो यूनिट लेके चलेंगे, जैसे वहाँ लीटर था तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे हम लोग किलोग्राम लेके चलेंगे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये सबसे अपना बेसिक पार्टिकल क्या आएगा, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, नोट कर लो इस चीज को, फॉर्मूले को और कैलकुलेशंस पे आते हैं। बहुत ही इजी के पार्ट होगा, ऑलमोस्ट मोलैलिटी के जैसा ही टर्म है, तो कुछ नया पार्ट इसमें नहीं, और इसमें हम लोग इस तरीके से रिजल्टेंट कंसंट्रेशन भी नहीं निकालते, लेकिन इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स का आपस में इंटर कन्वर्जन हम लोग डिस्कस किया करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीजों को। यूनिट क्या होना चाहिए इसका, जल्दी बताओ यूनिट। मोल पर केजी। मोल पर केजी।
चलो क्वेश्चन नोट करो फटाफट. पहला तो एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन, घटिया सा क्वेश्चन है. फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ 1 kg सॉल्यूशन कंटेनिंग 200 gram ऑफ NaOH. पक्का नहीं? सॉरी रवि, आंसर आया? यस सर. बताओ. 6.25. सर केजी में नहीं कन्वर्ट किए थे. सर 6.25 होना चाहिए आंसर. चलो दो तीन लोग आंसर आ गया तो डिस्कशन शुरू करते हैं. पहला चीज, फॉर्मूले में रिक्वायर्ड क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड है और वेट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है. सवाल में दिया क्या है? तो 200 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है. ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. बट सवाल में सॉल्वेंट नहीं दिया, सवाल में सॉल्यूशन दिया है. हम लोग को सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, सॉल्वेंट से मतलब है. तो पहला चीज, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 200 ग्राम दे रखा, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आराम से निकाल सकते हैं. वेट अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है. उस केस में 200 डिवाइडेड बाई 40, इसका मतलब टोटल 5 मोल्स के बराबर. पहला चीज. दूसरा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो इस बचपन के पार्ट को अगर यूज करें तो हम लोग आराम से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं. वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट. तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम माइनस 200 ग्राम, उसके हिसाब से 800 ग्राम निकल के आएगा. तो सॉल्वेंट का मास मालूम पड़ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम पड़ गया, तो आराम से हम लोग मोलैलिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो 1000 से डिवाइड करो या ऊपर मल्टीप्लाई करो, बतिया इज सेम. तो जब हम लोग बतिया को सेम रखेंगे तो यहाँ से 50/8 आएगा वैल्यू. 50/8 का मतलब होना चाहिए 6.25, और इसमें स्मॉल m लिखेंगे या इसको लिखते वक्त हम लोग 6.25 जैसे वहाँ मोलर वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मोलर वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं. कोई दुविधा कोई परेशानी तो आराम से पूछ लो, जल्दी पूछो. किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लिया करो, और नहीं है तो फिर आगे मूव करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो. फाइंड द मोलैलिटी, निकालना तो मोलैलिटी ही है. फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 2 liter कितना मास लेके चले. थोड़ा एक मिनट वेट कर लो, थोड़ा दिमाग लगाने दो. हाँ चलो ठीक है. फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ 2 liter एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग 2 moles ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 gram per ml. ट्राई करके देखो.
1.12 हो सकता है, मतलब हमको तो नहीं मालूम, देख लेते एक बार. 2 डिवाइडेड बाय 10 बाय 9 के बराबर वैल्यू होगा. 1. हां ठीक है, 1.11 के अप्रोक्स ले सकते हैं. तो 1.11 या 1.12 सर. 10 बाय 9. 10 बाय 9 बढ़िया. चलो दो लोगों का आंसर आ गया है, बाकी एक दो लोग और आंसर बोल दो. जिन लोगों का आंसर आ गया है तो फटाफट बता दो और डिस्कशन शुरू करते हैं. आ गया सर. बढ़िया. चलो सवाल में मोलैलिटी निकालने बोला है. 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा और 2 मोल्स दे रखा. तो मोलैलिटी के लिए मोल्स तो चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. और यहाँ तो सॉल्वेंट छोड़ो, वेट तो दे ही नहीं रखा यहाँ पे हम लोग के पास, क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है. तो जब वॉल्यूम दे रखा तो डेंसिटी का यूज करेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. और इसलिए कैलकुलेशन आसान रखा है मैंने. 1 ग्राम पर ml, 1 ml का वॉल्यूम 1 ग्राम है. तो 2 लीटर का मतलब हो गया, मतलब वॉल्यूम वाला पार्ट 2 लीटर दे रखा, मतलब 2000 ml. तो 1 ml 1 ग्राम, 2 ml 2 ग्राम, 10 ml 10 ग्राम. तो 2000 ml वाला पार्ट आराम से 2000 ग्राम के बराबर निकल के आना चाहिए. लेकिन ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ना कि मास ऑफ सॉल्वेंट वाला पार्ट. तो पहले तो ये निकल के आ गया हम लोगों का कि मास ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या दे रखा. जैसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आया तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट वाला पार्ट या वेट ऑफ सॉल्वेंट वाला पार्ट निकाल सकते हैं. वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन 2000 ग्राम माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट. तो सवाल में इस पर सॉल्यूट का वेट दे नहीं रखा है, बट नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मतलब वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. मोलर मास 100 के बराबर होगा, तो यहां से आंसर अपना 200 के बराबर आना चाहिए, मतलब 2000 माइनस 200. तो यहां से 1800 ग्राम सॉल्वेंट का वेट निकल के आ गया, पहला शीश. अब क्या करें, तो मोलैलिटी कैलकुलेट कर लो. इससे घटिया सवाल तो कुछ हो नहीं सकता. अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो 1800 डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए. तो यहाँ से अपना जो आंसर है आराम से 10 बाई 9 निकल के आ जाएगा. 1.11 मोलल सॉल्यूशन, स्मॉल m लिख के आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई हाँ एक बात पूछे. हाँ सर, हम लोग भी इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद मतलब आंसर निकाले और आप डायरेक्टली 2 बाई 1800 इनटू 1000 कैसे लिखे? प्रैक्टिस से आप कैलकुलेशन कर रहे थे. प्रैक्टिस से हम तुम लोगों को ये चीज बोले हैं, अभी सजेशन भी दिया है, दिमाग चलाओ. अगर दिमाग चलाएंगे तो माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं. जैसे चलो ठीक है, किसी को सॉल्यूशन अगर नोट करना है तो नोट डाउन कर लो, और वैसे नोट्स भेज भी देंगे वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हम देखो हम क्या सोचे एग्जैक्टली हम बता रहे हैं और कैसे रिलेट किया. अगर ये चीज सोच पाए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आज एकदम सीखा और ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता. ठीक है, क्या कर सकते बता रहे हैं. जैसे सवाल में 2 मोल्स रखा, तो इसी क्वेश्चन में हमको मालूम है कि हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट वाला पार्ट चाहिए. तो 2 लीटर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा, डेंसिटी दे रखा, तो डेंसिटी को यूज करके दिख रहा है 1 ग्राम पर ml, सीधा सीधा रिलेशन है. तो 2 लीटर का मतलब दिमाग में कैलकुलेशन कर लिए कि 2000 ml के बराबर है. 1 ग्राम पर ml मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ml उतना ग्राम या जितना ग्राम उतना ml. तो यहाँ से मालूम पड़ गया कि सॉल्यूशन वाले पार्ट का वेट हम लोग के पास 2000 ग्राम के बराबर है. कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बहुत बार कैलकुलेट किया मैंने जिंदगी में, बहुत बार मतलब हो सकता है हमको लगता है कि 150, 200, 250 बार कर चुके होंगे अभी तक, क्योंकि साल दर साल यही चीज़ तो आता है. तो 100 के बराबर मोलर मास है. तो 2 मोल इसका मतलब 1 मोल का मास 100 है, तो 2 मोल का मास 200 होगा. तो इसका मास 200 के बराबर निकल के आ गया. तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को जब माइनस किए तो वहां से दिख गया कि सॉल्वेंट वाला पार्ट मतलब बेसिकली H2 का मास मेरे पास आराम से 1800 के बराबर है. तो हमको जो चाहिए था वो निकल के आ रखा है. तो हम पूरे कैलकुलेशन को क्यों इतने स्टेप में लिखेंगे, जो मेरा क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में हम रफली काम किए. रिक्वायर्ड क्या था, सीधा उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश किए. कैसे कनेक्ट करेंगे उसके लिए अभी तुम जैसे अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है तुम्हारा, तो इतना इनिशियली कनेक्ट नहीं कर सकते. जब इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा जाना कहाँ है और कैसे. जैसे उसको ऐसा समझ लो यार, जैसे मान लो कि कौन से सेक्टर में रहती है तुम? चलो ठीक है, मान लो चीरा चास में रहते हैं. ठीक है, तो हम अभी तक बता रहे हैं जैसे एक स्कूल है, बाकी लोग को नहीं मालूम, एक चिन्मय विद्यालय स्कूल है.
ऐसा एक रास्ता गया है, ठीक है, ऐसा कुछ शेप है, मतलब एक रोड है और इस रोड के, सॉरी ऐसा भी नहीं, थोड़ा और ऐसा है, ऑलमोस्ट ऐसा रास्ता है। हम पिछले 6 साल से बोकारो में हैं, हम साल दर साल हमेशा यहाँ से जाते थे और आराम से घूमते हुए ऐसा निकल के आते थे। ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से डायरेक्टली इधर जाना है तो कुछ तो होगा, तो चलो ठीक है, कार जाने का रास्ता नहीं था, बट हमको रिसेंटली मालूम पड़ा कि कार जाने का बीच से एक और रास्ता है, तो जो हम इतना डिस्टेंस निकाले वो तो मिस हो गए, मतलब हम बार बार मिस कर रहे थे, बट शुरुआत में क्या था मेरे पास, शुरुआत में अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना था तो हम रिस्क भी नहीं लेते कि यहाँ से डायरेक्टली हम कार निकाल के चले गए, अगर गड्ढे में फंस गए तो क्या होगा, या दूसरे रास्ते को भी कोई लोग यूज करते हुए दिख नहीं रहे थे, या कार आता हुआ दिखा नहीं, गूगल मैप यूज किए तो देखा यही रास्ता दिख रहा है तो इसी को फॉलो किए। बट जैसे जैसे टाइम बीता, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब 5वीं बार 6ठी बार जाना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि अच्छा बीच में एक और रास्ता है, जब और आगे गए तो देखा कि डायरेक्टली एक और रास्ता है। तो जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता बीच में समझ में आएगा ही आएगा। तो उन्हीं चीजों को कट शॉर्ट करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजें धीरे धीरे कट शॉर्ट हो जाएंगी और सबसे लास्ट में डायरेक्ट मेथड समझ में आना शुरू होगा। हम इसलिए डायरेक्टली सोच पाते हैं क्योंकि अब तो तुम लोग बहुत आसानी से पढ़ा रहे, क्योंकि पहला टॉपिक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हम इतना धीरे नहीं पढ़ाते जिंदगी में, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा मेरा स्पीड बढ़ेगा और उड़ेगा सिलेबस, फिर तुम लोगों को चीजें सब समझ में आएंगी, क्योंकि तुम लोगों को मेरे लैंग्वेज से आदत पड़ जाएगा, मेरे बोलने का तरीके का आदत पड़ जाएगा, मेरे लिखने के तरीके का आदत पड़ जाएगा, कनेक्टेड चीजें कैसे हो सकती हैं, उन सब चीजों को तुम लोग देखना शुरू करोगे। तो अपने आप ये सब जो कैलकुलेशन है, जैसे अभी तुम लोगों ने जस्ट इस चीज को सीखा तो रिलेट किया था कि अच्छा सॉल्वेंट का मास कैसे निकाले, तो ऐसा निकाले। एक आदत खराब भी है तुम लोगों की, ये थोड़ा गड़बड़ चीज है, सब लोग बचपन से होमवर्क बनाते आए होंगे, अब घर में स्कूल में जो होमवर्क मिलता है सब बनाओ एकदम, हम नहीं बनाते थे कभी होमवर्क। तो जो तुम लोगों का होमवर्क बनाने का काम होता है ना, एक्चुअली करते क्या, वो लोग छापते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एकदम, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू एक्स, देन दिस इज इक्वल टू वाई, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। अरे नहीं भाई, हम होमवर्क ही नहीं बनाया बचपन से, हमको लगता है उसका फायदा मिला हमको कि होमवर्क नहीं बनाया, हम जल्दीबाजी में कुछ काम के खचर पचर इधर कुछ कर रहे थे, तो उससे 2-4 स्टेप तो हम वैसे ही कट शॉर्ट कर लिए। तुम लोगों की आदत हो गई है बोर्ड वाली, कि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है, तो 4 स्टेप का सवाल है तो 4 स्टेप लिखो। हम लोग वो स्टेप मार्किंग की चीजें हम प्रैक्टिस करते थे बोर्ड के लिए, हम सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर करके वो स्टेप मार्किंग प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि मेरी आदत खराब थी तो हमको मालूम था कि वो स्टेप मार्किंग के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो तुम लोगों को अपना वो आदत चेंज करना पड़ेगा, अगर तुम लोग बोर्ड के एग्जाम के जैसा काम करेंगे टाइम खराब होगा। बोर्ड के लिए 1 मिनट का सवाल जो बहुत ही एलिमेंट्री होता है, उसके लिए भी 1 मिनट का वो मिलता है, टाइम मिलता है, मेंस एडवांस में नहीं मिलता है ऐसा, सवाल भी सिंपल नहीं होता, और 2 मिनट का सवाल जो होता है उसके लिए 4 नंबर मिल रहा होता है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे कट शॉर्ट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि सीख रहे हैं, नोट्स कॉपी बना रहे हैं तो सारा कुछ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने नोट्स कॉपी में, तो इन स्टेप्स को कट शॉर्ट करो, धीरे धीरे करके हटाते जाओ, जितना एकदम बेसिक रिक्वायर्ड चीज है जिसको लिखे बिना काम नहीं चल सकता। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, उसको अंडरलाइन कर लिया, हमको वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना था उसको मार्क कर लिया, और सॉल्यूशन का वेट निकालना था वो चीज निकाल लिया, तो यहाँ से सॉल्वेंट का वेट निकल के आ गया। तो हम केवल ये 4 वैल्यूज लिखेंगे या 4 वैल्यूज को अंडरलाइन करेंगे, और मेरा काम उसके बाद फॉर्मूले को पुट करना होगा। तो ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस अपने आप आ जाएगी, ऐसा नहीं कोई एक ही दिन में ये चीज समझ में आएगा। जैसे मान लो पहला दिन था, तो पहला दिन मोलर मास कैलकुलेट करवाया, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम किए, अब सीधा वो चीज दिमाग में कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। अगर हम तुमको लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करो, तो थोड़े ना यहाँ पे 40+16 करेंगे, दिमाग में ही कर लेंगे, अच्छा 40+16 चलो 56 होगा। तो ये चीजें दिमाग में कैलकुलेट करना शुरू कर जाएंगे अपने आप, जब वो चीजें रिपीटेड मोड में आएंगी। तो इसीलिए कुछ स्टेप स्किप करना सीखो, शुरुआत में नहीं हो पाएगा, जब कोई इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक का तो सारे स्टेप लिखो, ताकि मालूम तो पड़े कल को कि हम जो स्टेप लिख रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हम लोग स्किप कर सके। जब तक स्टेप नहीं मालूम पड़ेगा तो स्किप क्या करेंगे हम, तो पहले स्टेप सीखो 4 स्टेप 5 स्टेप, फिर उसमें देखो कि कौन सा अपने काम पर नहीं था उसको हटाओ, जब प्रैक्टिस करो तो उन सब चीजों को हटाओ, उसके बिना काम किया करो। और कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो रफली काम करो, खिचर पिचर करके काम करो। हमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम ऐसा नहीं सॉल्व करेंगे, वो बहुत मेहनत लगता है ऐसे लिखने में। हम जब भी डाउट क्लास देते तो थोड़ा इधर लिख दिया ऐसा ऐसा, यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया, इधर कुछ कुछ लिख दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा चलता है मेरा। मेरे नोट्स कॉपी में अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख लेगा, मतलब किसी भी स्टूडेंट के नोट्स कॉपी में, तो तुमको पता नहीं चला कि हम लिखे क्या है उसमें। क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर निकालना है,
चाहे अप्रोक्सीमेट आंसर चाहे डायरेक्ट आंसर, बट उसमें स्टेप नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इंटीजर टाइप का ये फायदा होता है, बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा है, थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो, अपने आप सीख लेंगे इस चीज को। क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यही पेंड करते हैं, टाइम भी हो गया है। आज का होमवर्क? हाँ होमवर्क देना है, एक सेकंड रुको भाई। बुक तो तुम लोग को मिल गया था ना सारा सर? हाँ सर। हाँ बुकलेट जो, हाँ ठीक है ओके। तो एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होमवर्क दिया जा सकता है। जो मोल कंसेप्ट का तुम लोगों को बुकलेट दिए हैं, उस बुकलेट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 88 से लेके एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 88 से लेके क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 88 टू क्वेश्चन नंबर 96 जो लोगों का पहला क्लास है आज, तुम लोग स्मार्ट प्रेप अकेडमी से जहां से तुमको लिंक आया होगा उसमें मैसेज कर देना। हम लोग का एक चैनल है टेलीग्राम का ही, उसमें हम लोग सारे असाइनमेंट सारे बुकलेट्स वगैरह अपलोड करते जा रहे हैं। तो मोल कंसेप्ट का जो बुकलेट है जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का पूरा सेट दे रखे होते हैं, उन क्वेश्चंस में से एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन नंबर 88 से लेके क्वेश्चन नंबर 96 तक सॉल्व करना है। और जो वर्कशीट है उसको भी बता देते हैं कौन सा वर्कशीट सॉल्व करना है तुमको। लास्ट क्लास में कहां तक का वर्कशीट दिया था? अच्छा आज भी वर्कशीट दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग ने थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया, मोल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो थोड़ा वेट कर लो, एक लेक्चर का वेट कर लो और उसके बाद वाले लेक्चर के बाद वर्कशीट वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। तो यही 6-7-8 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।